विश्व गुरु बनने में शायद थोड़ी चूक रह गई। फीफा वर्ल्ड कप ने भारत के साथ खेला कर दिया। फीफा में भारतीय खिलाड़ी कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। दरअसल भारतीय फुटबॉल टीम को फेडरेशन के अंदर की पॉलिटिक्स का खामियाजा उठाना पड़ा है। फुटबॉल जगत के सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से चल रहे विवाद और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल के चलते उठाया गया ये फैसला। फीफा के इस डिसीजन के बाद भारतीय फुटबॉल को बड़ा झटका लगा है। बैन के चलते भारतीय मेंस और विमेंस फुटबॉल टीम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इसके साथ साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के बैन होने की वजह से भारत को इसी साल होने वाली अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी हाथ धोना पड़ा है। फीफा ने क्या बयान जारी किया? फीफा ने कहा कि काउंसिल द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का सर्वसंपत्ति से लिया गया फैसला, जिसकी वजह से इसमें थर्ड पार्टीज द्वारा किया जाने वाला ज़्यादा दखल है। आगे फीफा ने कहा कि AIFF से सस्पेंशन तभी हटाया जाएगा जब इसे ऑफिशियल्स पूरी तरह से पावर में आ जाएंगे। साथ ही वह इससे रोजाना होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। गौरतलब है कि AIFF में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दखल है। उनकी तरफ से भी भारतीय फुटबॉल का देखभाल की जा रही है। आखिर अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या है? प्रफुल्ल पटेल ने 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वो लगातार इस पद पर कायम थे। एक अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में ख़त्म हो गया था, जिसके बाद चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाना था। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी, वहाँ बिना चुनाव के ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इसको लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के पूरे बोर्ड को हटा दिया। साथ ही नया संविधान बनाने और चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया था, जिसका काम अगले अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। भारतीय फुटबॉल की देखभाल के साथ साथ चुनाव कराना है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AR दवे, चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल हैं। 85 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये संस्था बिना प्रेसिडेंट के चली हो। इस सब नियमों के मद्देनजर रखते हुए फीफा ने ये कदम उठाया। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।